सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन। सो गाइस, फिलहाल का सीन ना कुछ ऐसा है यार, अभी मैं उठा था अपनी डाइट बनाने के लिए, तो भाई घर के अंदर भाई सिलेंडर ही खत्म होगी तो हो चुका। तो भाई अभी फिलहाल सुजल और मैं चलते हैं सिलेंडर लेने और यार अपनी डाइट बनाएंगे फटाफट से, क्योंकि इमरजेंसी है, कोई ऑप्शन भी नहीं है यार मेरे पास, और काफी दिन हो गए डाइट पे भी नहीं आ रहा था मैं ढंग से। फटाफट चलते हैं, चल भाई चल। वर्कआउट भी करने चलना है, फटाफट से अपनी डाइट बना के वर्कआउट करने चलेंगे और आगे का सीन आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। सो गाइस, यार वहाँ पर सिलेंडर तो हमको अभी भी नहीं मिला, वो बोल रहे अपने आप ही आएगा यार, मतलब बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, बट कोई बात नहीं, जुगाड़ करके अपने हमने ओट मील बना ली है अपने माइक्रोवेव के अंदर, तो इसको खाते हैं, खाने के बाद चलते हैं अपना वर्कआउट करने। सो फिलहाल गाइस, वर्कआउट करके मैं आ गया हूँ यार जिम। आज ना मैं वहाँ पर अंकुश भाई के पास नहीं गया, आज यहीं पर चला गया था जिम वर्कआउट करने चेस्ट का। तो गाइस वापस आ चुका, बहुत बढ़िया वर्कआउट हुआ है। तो गाइस कल संडे है, कल आपको पता है हर संडे हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो गाइस कल क्रिकेट की तैयारी कर रखी है। देखो वो पड़ी ना बॉल, बॉल पड़ी है ना, देखो वहाँ पे सुजल प्रैक्टिस कर रहा है कि कल अच्छे से बॉलिंग कराऊंगा, अच्छे से बॉलिंग कराऊंगा। मम्मी आप भी चलोगे क्रिकेट खेलने? है चल रहा आप भी क्रिकेट? सारे चौके छक्के मेरी बाप ने, मम्मी चली गई ना भाई साहब। मम्मी वैसे मम्मी ऑलराउंडर है, मम्मी सारे काम कर लेती है। वो कर दूंगी मैं, मम्मी को लेके चलेंगे, अंपायर बना देंगे, वो हैट वेट पहना के मम्मी अंपायरिंग करेगी। डैडी कहेंगे इसको अंपायर को हटाओ पहले, मैं तब क्रिकेट खेलने आऊंगा भाई साहब। डैडी को ये सबसे पहले आउट करेगी मम्मी, आउट है चाहे आउट भी ना हो, डैडी को आउट कर देगी मम्मी। सो गाइस फटाफट से बस इंतजार नहीं हो रहा, सुबह हो जाए जल्दी से, फिर चलते हैं क्रिकेट खेलने अपना फटाफट से, मजा आएगा गाइस। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे गाइस। सो गाइस अब फाइनली इस बार बिल्कुल टाइम से रेडी हो चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ, कोई मैंने उठने में दिक्कत नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। सो गाइस मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, तो बस जल्दी से चलते हैं। डैडी तो सो रहे, क्योंकि डैडी ना संडे को यार एक दिन की छुट्टी मिलती है, वो कहते हैं मेरे को इतनी जल्दी नहीं जाना, तो इसलिए हम लड़के लड़के जा रहे हैं अभी, और वहां पे चल के लगाते हैं मैच। और आज मेरे दोस्त भी जा रहे हैं स्कूल के, नितिन और रोहित, जिनके साथ मैं बचपन से उन्हीं के साथ खेला हूं क्रिकेट। सो गाइस बस आज तो मजा आने वाला है, तो फिलहाल चलते हैं। और उसको देखो आज तो इंडिया की टी शर्ट पहन के फुल क्राइम मास्टर गोगो बना हुआ है, धूप के लिए चाहिए गाइस। वैसे तो आज इस धूप का जुगाड़ बहुत कर रहे हैं हम लोग, देखो फुल स्लीव होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को वो स्किन सही नहीं लगती, उस स्किन पहनता हूँ ना वो हाथों की जो होती है वो और ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं उसको, गर्मी टैनिंग तो करती है लेकिन गर्मी भी कर देती है, बिल्कुल हीट छोड़ती है वो। और वो जो वैसे ऐसे कपड़े की स्किन मिलती नहीं है, बहुत ढूंढ ली बहुत ज्यादा, बट कोई बात नहीं फुल स्लीव है और चलते हैं बस अपना। सो गाइस एक दगाबाज से मिलवाता हूँ आप लोगों को, एक भगवान ने यार वो मतलब जिसने कहा है ना वो सही कहा है भाई, दोस्त हमेशा सेम नहीं रहते, बदल जाते हैं दोस्त ना, एक दिन बदल ही जाते हैं। एक तो लाया हूँ ऊपर से उस बंदे के लिए कैप ला, लेकिन एक बात बता, सजेशन लेनी है, दोस्त बदल जाते हैं ना? अरे नहीं बदलते। कह रहा नहीं बदलते, इतना आराम ही हो गया ना, बस बता नहीं सकता, सिचुएशन बदल देती है, सिचुएशन बदल देती है, मजबूरी हो गई, वो मजबूरियां बता दूं, मजबूरियां हैं। लेकिन गाइस अंदर से इतना मन कर रहा है ना बता दूं, लेकिन कमेंट करोगे तो बता दूंगा गाइस नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। चलो कोई बात नहीं गाइस, एक दोस्त और आ रहा है हमारा रोहित, तो बस चलते हैं अभी, और आज वहां पर जाके इतने मैच जीतने हैं कि ना अगर नेक्स्ट टाइम नाम वाली टी शर्ट बनवा लेंगे गाइस। हाँ हाँ, और गाइस देखो टाइम देखो कैसा आ गया, इसके बाद बाइक, उसके बाद स्कूटी, मेरे पास बाइक, और अभी एक दोस्त आ रहा है उसके पास स्कूटी। एक टाइम होता था गाइस एक बाइक पर बैठ के ना पांच पांच लोग जाते थे, और पुलिस पकड़ दी, और पुलिस भी होते ना उसके सामने भगा लेते थे, जब डैडी की बाइक थी ना मेरी सीवी जेड उन पे, उसके चार थे ना वह भाई, आगे टंकी पे भी बिठा लेता था गाइस, मेरे जो थोड़े से छोटे बच्चे होते थे ना उनको भी बिठा लेता था, और किट भी होती थी और किल्लिया भी होती थी और बैट भी होता था। लेकिन भाई अब बंदे ज्यादा नहीं है, अब व्हीकल्स है, व्हीकल्स की कमी नहीं है और पैसों की कमी नहीं है इस बंदे के पास, वरना बॉल के 10 रुपए भी नहीं देता था एक जमाने में। दोस्तों पे गाइस कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, दोस्त एक नंबर के, और ऐसे दोस्तों गाइस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और ये एग्जांपल गाइस, जन्मदिन भूल गया नितिन, दोस्त भाई हम तो इतनी केयर करते हैं, कैप बोला इसने हम इसके लिए कैप लेके आए, इतनी केयर करते हैं तब भी, लेकिन इसको तो समझ जाओ गाइस भाई गलत है ये सब चक्कर, क्या कह सकते हैं गाइस, हम तो दोस्त हैं, हम फर्ज निभाएंगे और सिर्फ समझा सकते हैं, बाकी भाई इसकी मर्जी है, क्या ही कह सकते हैं। और गाइस एक और दोस्त आ चुका है हमारा,
क्या हाल है? धन्यवाद भाई आपको बुलाने का। बढ़िया खेलेंगे आज। चलो आज आराना है। एक बात बता, एक बात बता, दोस्त हमेशा सेम नहीं रहते ना? सेम ही रहते हैं। अबे तू तो सेम है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जो इसको कह रहा है क्या करे यार, बदनाम हो रखे है बंदे, तब भी शर्म है नहीं शक्ल पे, बेशर्म है, देख रहे हो। ऐसे होते हैं वो दोस्त, मतलब ये नितिन नहीं है लेकिन ऐसे होते हैं। सो गाइस मैच स्टार्ट हो गया, अब हमारा बॉलर लेके आया हूँ। अगर आज इसने बेइज्जती करवा दी ना गाइस, तो बेइज्जती नहीं होनी चाहिए नितिन, देख ले ठीक है ना? मैंने कह दिया इससे, मैंने कहा आज बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, पिछले सीजन का खिलाड़ी है ना, बहुत टाइम बाद वापसी कर रहा है आईपीएल में। हाँ गाइस, आज रुकावट में बहुत ज़्यादा खेत हो गई, वहाँ पर चल रही है मीटिंग। तो गाइस अभी थोड़ी रुकावट में खेत है, हमारी टीम वाले बंदे भी चले गए, अब बाद में खेलेंगे। और ये पहला बॉलर पहले ओवर में 76 रन खा गया। अबे चल 10 तो खाया है, तेरे को बॉलर के के लाया था, एक भी नहीं खाना चाहिए, तेरे को विकेट भी नहीं ली एक भी, पहला किल्ला तो खाड़ के दिखाता। स्कूल में बेइज्जती करवा रखी है, हर जगह बेइज्जती करवा रखी है, तू क्या बंदा है भाई बता ना, अब चेहरा दिखा दिखा। तो भाई आफ्टर मैच पार्टी हो गई, हम सारे मैच जीत गए, मौसा जी हार गए सारे मैच, जय बोले। देख रहा हूं सबकी पार्टी चल रही है गाइस। हां जी सबसे ज्यादा ये हार रहे हैं, सबसे ज्यादा मैच हार गए। आदमी ने कुछ नहीं कर रहा, फिर रही है ये क्यों भाई, कैप्टन है हमारी टीम के, कैप्टन थे हमारी टीम के कैप्टन, बॉल नहीं पकड़नी आ रही, जीतने की बात है भैया, ये पार्टी देख लो वही करा रहे हैं फिर पार्टी। सबसे ज्यादा ये मैच हार रहे हैं। हां भाई लाना चाहोगे? अरे बात तेरे डैडी, अरे बात है, पर वो क्या कहते हैं, जय भोले की तो जय भोले शंभू, जय शंभू। सो हाय गाइस, फिलहाल घर पर वापस आ चुके थे यार क्रिकेट वगैरह खेलकर। सो गाइस ये जो व्लॉग है ना, ये ना मैं मतलब कंटिन्यू कर रखा था मैंने, जो मेरी गाइस वाली दादी है ना जो परले घर पे रहती है। सो गाइस वो ना, उनका ना बर्थडे है, तो उनको ना हमने नेक्स्ट व्लॉग में बहुत तगड़ा सरप्राइज दे रखा है, मतलब उनको अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब हम लोग करेंगे ये सब, मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। तो उनके जो रिएक्शन थे ना गाइस, वो बस आप नेक्स्ट व्लॉग के अंदर देखना गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये वाला व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको डिवाइड कर दूं एक एक पार्ट के अंदर, ताकि आप लोग भी आराम से देख सको और चिल कर सको। और बस गाइस नेक्स्ट व्लॉग जरूर से जरूर देखना, और अगर ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा ना, तो गाइस प्लीज व्लॉग को लाइक कर देना एंड चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल बहुत चल रही वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with.